हाँ ऊटी है ऊटी ये मैंने पहली बार देखा था जो <laughs> है वो मेरा सैलरी डे है तो मुझे सैलरी मिलने वाली है <laughs> पैसा ही पैसा होगा तो मैं यहाँ पे काने लग रही हूँ ज्यादा टैनिंग हो गई थी क्योंकि मैं इसको और ऑयली के हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे डेड बॉडी मैं खुद को कह रही हूँ मैं तो लास्ट लग रही हूँ लास्ट Welcome back to a new blog. Guys, आज है -pampering day plus salary day. बहुत ही है। so, सुबे -सुबे है। ही ज़्यादा खुश मैं 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 मैंने सुबह सुबह पहले करवाया क्योंकि में में करती घर मुझे इतना टाइम नहीं होता तो मैं सलून में ही हेयर वॉश अपना okay. क्या कोर्स में तुम्हारे रह गया था क्या मेरा पूरा गया रह मैं <laughs> बेटा लगता है तुम घू खा के ही मानोगे हेयर वॉश भी हो गया और तोहेद की जो है वो नौटंगे भी कभी खत्म नहीं होती गाइस आपने देखा ही होगा फिर करानी मुझे अपनी बाकी ये फेशियल वगैरह करवाना है आज सो so, आज है सेल्फ टेम्परिंग डे रोज तो सबकी सर्विस करते हैं आज अपनी मारी क्या क्या कराना है मैंने वैक्स कराना है डिटेल क्लीनअप बस अपलिफ्ट

बहुत ही ज़्यादा मेरे आंखों में बहुत सारा आंसू मतलब ये समझो कि मेरे को बर्दाश्त नहीं तो मैं डी ही यूज़ करती ब्लीच नहीं अप्लाई करती हूँ तो यहाँ ये यह है हमारा जो है ब्यूटी सेक्शन है ऐसे ये सेकेंड फ्लोर पर यहाँ पर हम फेशियल वैक्सिंग वगैरह जो भी ब्यूटी की सर्विसेज होती है वो यहाँ पर होती है और जो ये हमारा सेकेंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर ये हमारा जो है वो हेयर का सेक्शन है डीटहन हो चुका है वाह मेरा तो ऐसे मुंह चमक गया क्या करेगी फेशियल करके ठीक है फिर कांजरे मीनी के लिए फटाफट कर दे नेचर्स का डिटेन किया अच्छा है फिर बाकी के काम शुरू करने से पहले हमने चाय पी चाय पीना बहुत ही पसंद है मुझे आपको पता है मग भर के चाय पीती हूँ मैं और ये भी चाय सलोनी भी ने भी चाय पिया फिर मैं स्क्रब के बाद जो वाइट हेड्स होते गए वो मैं खुद ही निकालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है दूसरे के हाथों से तो ये मैं खुद ही करती हूँ ये स्टेप जो है ये हमेशा का है मेरा जब भी मैं क्लीन अप कराती हूँ फेशियल कराती हूँ हर महीने में एक सर्विस मतलब फेशियल वगैरह मैं सब कुछ करवाती हूँ और फिर गाइज यहाँ पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना मैं बता नहीं सकती ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी मैं खुद को कह रही मैं तो लाश लग रही हूँ लाश आप खुद देख सकते हो मैं लाश जैसी

और लास्ट में हमने फेस पैक लगाए फेस पैक लगाने के बाद हमने पैक के साथ साथ जो टाइमिंग है टाइम सेव करने के लिए वैक्स करवाई गाई मुझे जैसे लेग्स वैक्स में वैक्स कराती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती फिर भी क्या करें इस लड़कियाँ हैं तो करना तो पड़ेगा इतना तो झेलना पड़ेगा तो रो रो के मैं जो है वो वैक्स करवाती हूँ तुम दोनों ने मेरे को उधेड़ दिया बज गया और हमारा ऑफ का टाइम हो गया तो हम घर जाने के लिए रेडी हो रहे हम फिर मैंने फेस पे सीरम अप्लाई किया जो कि लास्ट स्टेप है घर जा रहे so guys, मेरा हो गया हूँ थैंक यू सलोनी बहुत अच्छा फेशियल किया तो देख जा रहे हो बाय गाइस मस्ट वेटिंग डे जब हम पूरे महीने काम करते हैं और जिस दिन हमारी सैलरी का दिन होता है तो हम कितनी खुशी होती है ना आज हमें सैलरी मिलेगी तो आज मुझे जो है वो मेरा सैलरी डे है तो मुझे सैलरी मिलने वाली है <laughs> पैसा ही, पैसा तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ वाह एक महीना पूरा लग जाता ना है ना सैलरी मिलने में अब गाइज कमेंट करके मुझे मस्त मुझसे मत पूछना की तुम्हारी सैलरी कितनी है क्योंकि कि किसी की सैलरी और उम्र पूछते नहीं है तो आप गेस कर सकते हो बस ऐसे ही काउंट करते हुए गेस कर सकते हो बट बताऊंगी नहीं मैं ठीक है कभी बताऊंगी कभी आ, मौका मिले तो जरूर बताएंगे पूछते नहीं वैसे बोलते हैं तो गाइज ये मिल गई है सैलरी मुझे वाह आज तो सैलरी मिल गई बैंक अकाउंट में लेती हूँ कभी मैं कैश लेती हूं। इस बार मुझे कैश लेना चाहिए था तो मैंने कैश ही ले लिया क्योंकि घर में पंखे नहीं लगे अब पंखे लगेंगे जाके मेरे घर में मेरी छुट्टी हो गई है और मैं निकल चुकी और गई जी मैंने ऊट देखा जिंदगी में पहली बार मैंने सामने ऊट ऊट ही तो होता ही ये मे भी ऊटी है क्या है हाँ ऊटी है ऊटी ये मैंने पहली बार देखा था मैंने फिल्मों में देखा था रियल में आज मैंने पहली बार देखा पता नहीं मार्केट में कहा है और मेरा जो है मॉइस्चराइजर ख़त्म हो रखा था तो एक शॉप से मैंने पॉन्स का सुपर लाइट मॉइस्चराइजर लिया क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो ये बहुत ही अच्छा सूट करता है मेरी स्किन के लिए तो ये मैंने बाय किया एंड रास्ते से ही मैं कल नवरात्र स्टार्ट है तो मैं जो पूजा का सामग्री होता है वो मैंने ख़रीदा ये आम के पत्ते कलश और ये फूल वगैरह लिए थे क्योंकि मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं जो है वो नवरात्र के फास्ट रख लूँ एंड दूसरा दिन हो गया है नवरात्र है आज के दिन पहला नवरात्र है और मैं पहले सुबह उठते ही मैंने घर की सफाई किया नहाया और फास्ट था तो मैंने सिर्फ ताइल के लिए खाना बनाया और अपने लिए नहीं बनाया फास्ट रख लिया एंड क्या जी मैंने सूट पहना था मैं सूट बहुत कम पहनती मेरे पास ये इकलौता यही सूट है मैं इतना परचेज नहीं करती मुझे मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है फिर मैंने पूजा किया गाइस जब हम पूजा करते हैं ना घर में जोत जलाते इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना बहुत अच्छा लगता है जोत जलती हुई कितनी अच्छी लगती है ना फिर मैंने पूजा किया वैसे मुझे फास्ट इतना मैं रखती नहीं हूँ बहुत कम रखती हूँ क्योंकि मेरे बस की है नहीं आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा फूडी ही हूँ बहुत मेरे को खाना चरना बहुत पसंद है तो पर एक दिन का फास्ट रखा मैंने दो दिन नहीं बर्दाश्त हुआ तो एक पहला और एक आखिरी फास्ट मैं रख रही हूँ बीस वाले मैं नहीं रखूँगी तो मुझे पता है पूरे दिन भूख लगने वाली है तो मैंने जो है वो बनाना शेक बनाया बनाना शेक से कहते हैं कि भूख कम लगती है तो सुबह सुबह मैंने यही पिया चाय नहीं पी चाय मैं सैलून जाके ही अब गर्मियाँ आ गई तो चाय को अब मैं अवॉइड करने लगी लग हूँ आप हिंदी हिंदी थी थोड़ी बी आ रही जैसे थोड़ी गाइस देख सकते हो सना ने क्या लगाया रेबरमेंट ये मैं लेके आई थी अपने हेयर स्टाइल के लिए बट सना ने और आज सना ने फास्ट रखा पूरा दिन जो है वो ऐसे ही सलून में जाता है मॉर्निंग में जाती हूँ मैं ग्यारह बजे और रात को नौ दस बजे आती हूँ उसके बाद मैं अपनी चौबीस यूट्यूब के लिए मेकअप के ट्यूटोरियल वीडियोस बनानी होती है तो मैं रात को आके बनाती हूँ दिन में तो वही है एक वर्किंग के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये सब सब कुछ हैंडल करना तो अब मैं अपनी सूट कर रही हूँ रात को आके मैं अगर सूट कर रही हूँ सोज मेरी सूट हो चुकी है मैंने ये मेकअप किया है वीडियो शायद आ गई होगी आएगी जब मैं मुझे ऐसे सूट करना होता है तो मैं ऐसे सूट करती हूँ सिर्फ एक आईस पे मेकअप करके मैं एक वीडियो बनानी है मुझे लिपस्टिक की स्पॉन्सरसिप की शूटिंग करनी है तो आईब्रो तो पूरी गंजी है मेरी पता नहीं क्या नेपालियों का नेपालियों की आईब्रो कम होती है है ना

सोई so मेरा जो सूट है वो ख़त्म हो चुका है अभी बस गया है। रात के सवा नौ आज मैं जल्दी फ्री हो गई क्योंकि आज छुट्टी थी ना मेरी तो मैंने तीन से चार वीडियो बना ली है बाकी जैसे बीच में बनाना पड़ेगा तो मैं बना लूँगी एक दिन रात को आगे भी बना लूँगी बाकी अभी मेरा जो है वो सूट कंप्लीट हो चुका है अब मैं एक दो रील्स बनाऊंगी थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाऊंगी गाइज़ आ, आ जाओ इंस्टाग्राम पे भी बातें सातें करेंगे आई आमसना नाइन्टी सिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रखा है एक बार चेक करो और आपको कुछ भी क्वेश्चन करने मेकअप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर सकते हो अब अब हो गया मेकअप और मैं उसके बाद मेकअप रिमूव करूँगी लेंस रिमूव करूँगी फिर मैं वही अपने दाल तुमने कुकर का ढक्कन भी बंद नहीं किया खोल रखा था पहले से तुमने कहीं ना, ना है? ये बताओ पहले तो मेकअप में कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है ना मेकअप लुक सटल सा बिल्कुल ये देखो छबरी यूट्यूबर जब से घूम रहे हैं यहाँ पे बदतमीज करेंगे सुबह से नाइट एंड गाइस ऐसे ही जाता मेरा पूरा हफ्ता ऐसे ही जाता पूरा अपने लिए सो so गाय आप ब्लॉग को यही खत्म करते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में किसी में भी जो चीज आप मेरे देखते हो आ, वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके बताओ और लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो